छोटे क्यों हो रहे इसके उसके बी के तौर पर आपके पास कई सारे शब्द होते हैं, एक ऑल्सो होता है, एक टू होता है और एक एज वेल होता है। एज वेल एज नहीं, केवल एज वेल। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ग्रामर, और ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे इंटेंसिफायर। और उसी इंटेंसिफायर के अंदर एक जो हिस्सा पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट नंबर वन। और कॉन्सेप्ट नंबर वन कहता है कि जो भी शब्द है वो ऑल्सो टू या एज वेल सभी शब्दों का काम करता है। लेकिन इसके बाद भी आता है कि आपके पोजीशन क्या, पोजीशन ऑफ अबव वर्ड्स कैसे जनरेट की जाए, अगर इनका मतलब भी होता है तो। अब जैसे जो लोग पहली बार इस तरह के सेशन ले रहे हैं या पहली बार बीच में इस तरह से आए हैं वो केवल मजा लूटे। बाकी मजा लूटने अगर मैं पहली बात लिखूं बटुआ चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? बटुआ मतलब वॉलेट। और वो वॉलेट जब मिला तो अक्सर आजकल क्या होता है, वॉलेट जब वो बोलता है तो आपको वॉलेट तो मिल जाता है, उसके पैसे नहीं, नहीं।, नहीं। लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली या सौभाग्यवती होता है, होती है जिसको वो पर्स भी मिल जाता है और पैसे भी। और आइए इसी बात से बात की शुरुआत करते हैं। She found the purse and money. चलो कर लो, फोन सारे ऑन कर लो, ऑन ही है, ऑफ कर ले, साइलेंट है, फ्लाइट मोड बन गया, ज्यादा मत उड़ो। अब मैंने यहाँ लिखा मनी। अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन रहेगी मनी भी। जब आपको टू लिखना है तो मनी टू ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। जब आपको एज वेल लिखना है तो मनी एज वेल लिखना पड़ेगा, मनी एज वेल लिखना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑल्सो शब्द है तो ऑल्सो कभी भी एंड पोजीशन नहीं लेता, उसके लिए आपको ऑल्सो मनी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जब भी आपको भी के तौर पर ये यूज करने हो तीनों वर्ड तो टू एंड एज वेल टेक द एंड पोजीशन, पहली बात। और दूसरी बात आती है ऑल्सो डज नॉट टेक द एंड पोजीशन, ऑल्सो कभी भी आखिरी पोजीशन पर नहीं आता। और इसी बात के ऊपर आपके पास स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं। मैं यहां बना रहा हूं क्वेश्चन, आप लिखना शुरू कीजिए। देखो दो
उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो मैं इसको बदल दूँ या आप अपनी सीट तो थोड़ा सा इधर, या ऐसे ऐसे हो सकता है लाइटिंग की वजह से हो रहा है ऐसा ही, इसलिए सर मैंने वहाँ से वहाँ से लाइट का प्रभाव रिफ्लेक्शन पड़ता है सर, इसलिए ये कभी लाइट ही बंद कर सके तो कुछ वहाँ से दिखेगा ही नहीं इनको ही नहीं। हाँ ऐसे ही आता पेपर में, चार ही ऑप्शन है इसमें भी। ऊंच नीच ऊंच नीच का पेपर है, ऊंच मांगी नीच खेलना है क्या तुम खेल खेलते हो? नहीं, एक बचपन था जब खिलौने जिंदगी होते थे, राज की जिंदगी है जो खुद खिलौना हो गई। अंदर की बात अभी बता, केवल मुझसे मेरा नाम पूछा बल्कि पता भी पूछा, कहाँ रहते हो, मैं मिलने कहाँ आऊँ, तो एड्रेस भी क्या हुआ, नाम पूछा और एड्रेस भी। बताओ टू आगे लग सकता है? जब वन के बाद टू आता तो टू आगे कैसे लग सकता है? ठीक है, याद रखने के लिए ये बिल्कुल गलत है, नो इम्प्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं है, बाकी आपका कोई भी मन करे वो आंसर लगा। उसके बाद टू मच एड्रेस, उसने मेरे से बहुत ही ज्यादा एड्रेस पूछा, तो कम या ज्यादा नहीं होता भैया, एड्रेस एड्रेस होता है, यस और नो, टू मच नहीं होता। तो ये भी आंसर नहीं है। अगला देखिए एड्रेस आल्सो, ये आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि आल्सो डज नॉट टेक द हैंड पोजीशन, आखिरी पोजीशन पर नहीं आता। तो आंसर बचा कुछ आ, क्या बचा? ठीक है, जिसका ये मिस हो गया है या जो मूवी वगैरह देखने के लिए या संडे एंजॉय करने के लिए गए हैं, उन लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, जिसका लिंक हम खुद सेंड कर देंगे आपके अपने अपने बैचेस में जो जो बैठे हैं, और पहले की भी वीडियो मिल गई होंगी। यस, दो वीडियो मिल गई हैं, वाह हमने एक बनाई थी, बहुत अच्छे बहुत तेज है, एक दो नहीं आपके डालना तब ऐसी ऐसी चीज मिलेगी। देख ले फिर शाम कर गया ना अपनी कार लाई तो। चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर टू, धीरे धीरे पढ़ें और फिर इसको मर्ज करेंगे सारी आसान आसान बातों को। कॉन्सेप्ट नंबर टू ये कहता है कि भी का इस्तेमाल और भी कई वर्ड से हो सकता है, तो उसका जो सेंटेंस रहना कैसा है जरूरी, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर वर्ब रिपीट होनी चाहिए कि ये एक एक्स पर्सन अगर ये वाला काम कर रहा है तो वाई पर्सन भी यही वाला काम कर रहा होगा। ठीक है, मैं अगर लेट जाता हूँ तो मेरा भाई भी लेट जाता है। अरे वो बात एक वर्ड यार
तो पहला सेंटेंस ऐसे टास्क में कैसे बनेगा, जब दो डूअर हो और एक ही टास्क कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट नंबर टू, टू डूअर एंड सिंगल टास्क। काम करने वाले कितने हैं? दो। और काम कितने हैं? एक। नहीं समझ में मैं ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि आज संडे लगा देना झेल नहीं पा चलिए आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मी and also my brother, and also my brother, ये आ गया पेपर और ये अंडरलाइन करके आ गया जो क्वेश्चन पेपर में आया, मैं यूं का यूं दे रहा हूँ। ऑप्शन की सीक्वेंस भी सेम होगी, किसी की खुजली नहीं होगी इस बार। I wake up early and also my brother. मैं खुद जल्दी उठता हूँ और मेरा भाई भी। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। I help her and also her. सबसे पहली बात देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर टू कहता है व्हेनेवर यू हैव टू डू अ एंड सिंगल टास्क, तो जो भी शब्द का इस्तेमाल करता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर वो एस और सो शब्द इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी? सो। वहां पर सो शब्द भी का काम करेगा कब? जब एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस होगा। वहां पर एक्शन ओरिएंटेड नहीं था जो कॉन्सेप्ट नंबर वन था, वहां नाउन और प्रोनाउन ओरिएंटेड था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, आई मेकअप, मैं उठता हूँ या मैं नहीं उठता हूँ, उठता हूँ। आई हेल्प हर, मैं मदद उसकी करता हूँ। माई एंकल रीच्ड ऑन टाइम, मेरे
अंकल टाइम से पहुंचते हैं या पहुंचते थे? थे, पास्ट टेंस। अब इसका मतलब ये जो भी या सो यूज किया है मैंने लिखा, जो भी या सो होता है या ऑल्सो होता है, ये क्या काम करते हैं? इंटेंसिफायर। और जितने भी इंटेंसिफायर होते हैं वो कॉन्सेप्चुअली क्या होते हैं? एडवर्ब्स। और जिन लोगों ने भी क्लास ली हुई है 4 नंबर 70 के अंदर, वो लोग हल्का सा जानते होंगे कि एडवर्ब की अपनी जो पोजीशन होती है वो सेंटेंस के या तो बीच में होती है या सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होती है। यस और नो? यस। और अगर उसके अंदर से अगर एडवर्ब को बाहर ले आओ तो इसका मतलब उसके पड़ोस में सब्जेक्ट लगेगा, यानी नाउन प्रोनाउन लगेगा, या कोई वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, कुछ भी इस तरह का लगना चाहिए। क्योंकि हमने एक फार्मूला सीखा था, मेरे वाली वेरी। जिन लोगों को कंटिन्यूटी से समझ में आ रहा होगा वो लोग सही से समझ रहे होंगे। इसका मतलब आई वेक अप अर्ली एंड आल्सो माय ब्रदर, मैंने खुद जगा और खुद ब्रदर को भी जगाया, या ब्रदर खुद जगा होगा, खुद जगा होगा अगर रन जगा किया होगा। तो इसका मतलब है ना केवल वेकअप मेरे आई के लिए यूज हो रहा है, बल्कि यही वेकअप मेरे ब्रदर के लिए भी यूज हो रहा है। यानी डूअर कितने हो गए? दो। और टास्क कितना हो गया? एक। और ऐसे में ऑल्सो लगेगा या सो? सो। तो सबसे पहली बात क्या लगना चाहिए? सो। इसका मतलब आइदर का और ऑल्सो का काम नहीं है, तो ए एंड डी कैन नॉट बी योर आंसर। यस और नो? दूसरी बात, अगर मैंने लिखा एंड सो माय ब्रदर एंड सो डज माय ब्रदर, इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है? अगर मैं इस ब्रदर के आगे फिर से वर्ब लिखूं तो ये आई के साथ वेकअप लिखा तो माय ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा? वेक्स अप। यस और नो? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई है, और क्योंकि वर्ब अपने आप को रिपीट कर रही है तो ऐसी चीजों को क्या लिख देंगे? खाली डज। और क्योंकि ये डज ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब क्या है? तो ऐसे में जब सो एक एडवर्ब का काम कर रही है तो एडवर्ब के पड़ोस में माई ब्रदर होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। तो हमेशा एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है? किसी वर्ब को, किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करती। सो योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। यस और नो? अगर इतनी बात किसी के 50% भी समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 2 में यही बात अप्लाई करके देखो, मैं उसकी मदद करता हूं और वो भी। And so do, should I see? अब इसका मतलब यहां पर कितने लोग हैं पहले तो ये बताओ, 2 या 3? दो। देखो कहीं 2 से 3 हो। दो लोग। 3। वेरी गुड। अगर मैं यहां कहूं आई हेल्प हर, तो यानी गर्ल नंबर 1 है और एक ये आई है, या इसमें गर्ल लिखो या फीमेल फैक्टर लिख लो, कुछ भी है तो हर के लिए होगा। एंड ऑल्सो हर, और वो भी मदद करती है, यानी आई भी एफ की मदद करता है और ये एफ टू भी एफ वन की मदद करती है। तो आई एफ वन की हेल्प करता है और एफ टू भी क्या करती है? एफ वन की मदद। ये बात, ये सेंटेंस है अपने आप में। इसमें अगर नाम लिख देता तो अच्छा लगता, यही क्वेश्चन ऐसे पूरा करते और पूरा का पूरा एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता, बच्चा इसमें कॉमन ले लेता अलजेब्रा में। नहीं होता है, देखो जैसा जैसा होता है। अब बताओ आई हेल्प हर एंड ऑल्सो हर, सो डू हर, सो डू शी, सो डज शी। तो आपको पता है कि हेल्प यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर भी मुझे एक वर्ब चाहिए, और रिपीटिंग वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो हर नहीं आएगा, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और हर का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? शी। और शी सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और क्योंकि इसमें एडवर्ब का काम कौन कर रहा है? सो। और सो अगर एडवर्ब का काम करेगा तो इसको अपने पास में कौन चाहिए? वर्ब चाहिए या सब्जेक्ट? वर्ब। तो वर्ब कहां दे रखी है? डज। यहां पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? yes, अगले क्वेश्चन में अप्लाई करो। माय अंकल रिचर्ड ऑन टाइम, बहुत बड़ा रिचर्ड था, एंड आई आल्सो, और मैं भी। किस किस का आंसर सी आ रहा है? पहले तो ऐसे महानुभाव हाथ खड़े करो, पहले तो मैं देखूं। बी आंसर किस किस का? बी। किसी का नहीं आया, बहुत बढ़िया बच्चे हैं जी।
क्योंकि रेज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म लगेगी, और सेकंड फॉर्म की ऑक्सिलरी डू या डज होती है डेड। वेरी गुड, तो आंसर क्या आ जाएगा, सो डेड आई। देखते हैं आंसर कैसे लगा है क्वेश्चन को, आपके दिमाग में नहीं बैठ, ओ ये रूल ही गलत है, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर चार कट गया था। क्वेश्चन नंबर चार, मैं कभी मानता ही नहीं मैंने गलत भी पढ़ाया। भाई छांटने क्या आज एरर एरर ही पढ़ाए हैं, कोर्स की चीज तो कराते। क्वेश्चन नंबर चार, ऑप्शन ये भाई अब करना आ गया ना, अब खुद करो। अरे कैबिल करा दिया था, कैबिल वर्क करा दिया था, हाँ क्या मतलब तो I wish her to be mine, और वो भी यही चाहती है, तो I चाहता हूँ, she भी चाहती थी, मतलब चाहती थी, तो पक्की बात यहाँ do does आएगा या did, और ऐसे में जो क्या काम करेगा so did she या so did her, पक्की बात है, ये सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट की ये वर्ब रहेगी और ये इसका एडवर्ब, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए और ये पूछ ले कि यहाँ पर सो क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का या एडवर्ब का, तो यहाँ पर सो क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का, जब सो इसीलिए अतः फलस्वरूप परिणाम स्वरूप का काम कर रहा हो, तो सो शब्द कंजंक्शन का काम करता है, और जब सो शब्द भी का काम करेगा तो भी एक प्रकार का इंटेंसिफायर होता है, और ये सारे के सारे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, इंटेंसिफायर साथ Someone will create the history. कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर बनाएगा, and me too. पर मैं भी तो कोई बनाएगा, तो एक बार देखो मी आएगा या आई, वो
सौ का काम ये सौ, और बताओ समवन के लिए क्या लगता है जनरली विल, लेकिन आई के लिए जनरली क्या लगता है? तो यहाँ डू डज लगना चाहिए, डिड लगना चाहिए, तो वो तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में लगेगा। यहाँ पहले से क्या दे रखा है विल, जनरली क्या लगता है बाकी चीजों के साथ विल, लेकिन आई क्या लगता है शैल, सो शैल आई इसका। यस और नो? तो बताओ सारी की सारी ग्रामर एक साथ कवर हो रही है? जो लोग अभी मेरे बेसिक बैचेस के अंदर है, एक दो क्लास ली है, पांच सात बैच हुए हैं, पांच सात क्लास ली है, तो उसका मतलब है कि वो लोग ये सीखें कि ये सारी चीज जो सीखी हुई है वो कहाँ काम आने वाली है। ऑल बॉयज माइट एम्बेलिश द क्लासरूम एंड द अदर स्टूडेंट्स टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेलिश? टू मेक मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई। क्रिसमस ट्री देखा है? यस सर। उसमें छोटे छोटे बेल्स लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं बेल? उसको सजाने के लिए, ऐसे याद कर लिए, बेल मतलब सजाने के लिए, एम्बेलिश डेकोरेट, एम्बेलिश का मतलब होता है ब्यूटीफाई या डेकोरेट। या गार्निश, आइए आइए, अरे आइए अजीत अंबालिश का मतलब ब्यूटीफाई, डेकोरेट या गार्निश। अब गार्निश तो याद हो गया, आपको ये पढ़ाया हुआ है, ये अलग से एक वर्ड है, ये भी याद कर लो, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर ये अंबालिश वर्ब है, अंबालिश अंबालिश अंबालिश, गैरिश वर्ड का मतलब पता है? अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले तो ऐसे बोलो, गैरिश, बोल लिया ठीक समझ में आ गया, अब उल्टा करो, ग्रीस, बोलो ग्रीस, ग्रीस। बहुत सुंदर शटर था किसी दुकान का और वहां खड़े होकर आप यूं कर रहे फोटो खींच रहे और थोड़ी देर बाद ग्रीस लग गए। बाहर से जो चीज बहुत सुंदर दिखाई दे हो और अंदर से बड़ी रो या कच्ची या उसमें कोई भी उतनी खूबसूरती ना हो, केवल बाहर बाहर हो, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं गैरिश। क्या बोलना? किसी की चीजों को आडंबरपूर्ण तरीका होता है, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, या इसी को बोलते हैं प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस, या इसी को बोलते हैं जी ए यू डी वाई, गॉडी, या इसी को बोलते हैं टाउड्रे, टी ए डब्ल्यू डी आर वाई, टॉड्रे। क्या बोलते हैं? टॉड्रे। या इसी को बोलते हैं मेरिट्रेशियस, नहीं देख रहा है ऊपर खड़ा है, मेरिट्रेशियस। चलिए पहला वर्ड मैंने लिखा ऑस्टेंटेशियस, बोलो एक बार ऑस्टेंटेशियस। अरे यार तुम कम से कम कितने बच्चे बैठे होगे, ऐसे ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस। अगला लिखिए प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस वर्ड किससे बना होगा? प्रिटेंड, प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, दिखावा करना, और दिखावेबाजी वाला जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टेंटेशियस या प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस, ठीक है। अगला जो वर्ड लिखा मैंने जी ए यू डी वाई, जी ए यू डी वाई, गॉडी, बोलो गॉडी, नहीं गॉडी, हाँ। और अगला वर्ड जो बोलना है वो है ताऊ को सूखा, हाँ हाँ ताऊ को सूखा खिलाते, मैं ताऊ ताई के बिना सूखा महसूस कर रहा था, ताऊ ड्राई, क्या बनेगा ताऊ को, ठीक है हो गया या? यस सर ताऊ ड्राई हो गया, ठीक है। वन एटी फोर, कल ढाई से पांच क्लास है इंग्लिश क्लास, ठीक है। बोल बोल बीच में, यहाँ सम्मान करता हूँ, आज सिलेबस पूरा हो रहा है। आई माइट एम्बेलिश द क्लासरूम, कि सारे के सारे लड़के क्लासरूम को शायद सजाएं और बाकी स्टूडेंट्स भी सजाएं शायद, तो इसका मतलब पहली बात तो क्या आ जाएगा? एंड सो, ये देखो एंड को नहीं भूलना, देखो मैंने तीनों में लगाए, प्लीज लगा ले। So and so, so के बाद बताओ क्या आएगा? ये टू का काम तो खत्म हो गया, सो ने कर लिया बी का काम, अब बताओ जो ऑक्सिलरी यहाँ है तो वही रह जाएगी, and so might other
स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स हेलो सर क्या उन्हें पता क्या अरे वो बैच नहीं बैठा अभी चाय पी लो ये वाली बॉन्डिंग है चाय पी लो चाय पी लो आप में से पंकज सर किसी को नहीं पढ़ा मैंने हारमोनियम बजाया नहीं समझ और मेरी वाइफ ने भी ऐसा सोचा समझ में आया और ये 6 तक के सेंटेंस को मॉक टेस्ट के थे और 7वां सेंटेंस था सीजीएल टीएल टू अब बताओ हरकत मैं करता हूँ या सीजीएल सीजीएल मैं काम करता हूँ 33x11 बता कितना कोई बात नहीं क्यों घबराता 33x11 तीन और तीन छह लिखते और आंसर आ गया अगला देखो नहीं किसी पे भी लगा ले 43x11 क्या होगा तो वो भी 4 और 3 7 लगा के आ गया जी 91x11 कैसे आएगा तो 9 और 1 10 0 लगाओ यहां पे 0 0 0 आंसर आ गया सो कई बच्चे ने नॉन इंप्रूवमेंट छोड़ा है तेज गलत हो जाएगा हाँ तो आई के साथ हैव लगता है तो माय वाइफ के साथ क्या लगेगा हैज सो हैज माय ठीक है सर हैव हो सकता है हाँ वाइफ होता तो बहुत सारे कुछ भी नहीं है गेम है खाली अरे वो बुला रहा तेरे को बार बार एक बार पूछ ले उसी में यहाँ पे कैसे सेंटेंस थे पॉजिटिव इसमें थोड़ा सा मसाला मारा क्या बन गया नेगेटिव मसाला होगा नंबर 3 जो है वो मसाला वाला सेंटेंस होगा मसाला ठीक है चाट मसाला चाट मसाला बात हो रही है रुक जाना बात नहीं करनी है चार के सर फोर्थ पे जो आना 181 का तो कौन है यार जिस दिन पूरा होएगा ना 181 वो उस दिन मेरे चैन पड़ेगा भाई साहब रोज फोन आते पर हम सर प्लीज क्लियर ले और एक वाई पर्सन है और एक्स पर्सन भी एक टास्क नहीं करते हैं और वाई पर्सन भी वो टास्क नहीं करते हैं तब आपके पास जो भी शब्द का इस्तेमाल करेगा वो करेगा या तो नाइदर लिख देना या नॉर लिख देना दोनों ठीक है पर ज्यादा ठीक नॉर को माना जाता है अगर मैं आपके पास एक क्वेश्चन में समझाने के लिए बना दूं कि आई डू नॉट स्पीक against the system I do not speak against the system and Mr. Alam too और ये करके underline A B C D no improvement So does Mr. Alam? Yeah, nor do Mr. Alam? Yeah, nor does Mr. Alam? तो बताओ रूल वही वाला लगा बस आपके पास जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लग जाएगा Nor Mr. Alam यहाँ पर कितने हैं एक मिस्टर और एक आलम एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सेंटेंस प्रेजेंट में तो ये डू का क्या बन जाएगा डस
यहाँ पर कई बच्चे नॉर डज नॉट लगा देते हैं, नॉर खुद किसका काम कर रहा है, नेगेटिव का, दोबारा से नॉट लगाने की जद्दोजहद नहीं होगी। अरे सही समझ में yes, sir. Yes, sir. बता देते आप किसी को भेज देते यहाँ से भाई बहुत स्वाद आता है वैसे एक बार तुम आए तू एवरीबॉडी सॉरी नोबडी सीम्स nobody seems sanguine in finding the solution and so does you और ये अगर एरर या नो एरर सी में सबसे बड़ी गलती तो ये यू के साथ डस कभी आता ही नहीं डू आता है चलो ये लिखा हुआ था डू अब बताओ नो एरर है क्यों नो रहेगा ऐसे कैसे आ गया नो तो ये लिखा है कि नॉट वेरी गुड तो नोबडी का काम करता है अच्छा नॉट डस एनीबडी तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा हो गया नेगेटिव तो ये सो आ गया नॉट Nor do you. धरती कौन से पार्ट में सी पार्ट ठीक तो ये एप्लीकेशन बिल्ड हो गया इसी रूल के ऊपर जितना बंगाली श्याम एंड राधा विल नेवर डांस ऑन द फ्लोर बट कार्पेट एंड कितना बड़ी धंधी क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाया मैंने थ्योरी ओरिएंटेड पढ़ाने की बजाय ताकि आपको जनरेशन भी आ जाएगी कैसे एलिमिनेट कर सकते क्या ये क्वेश्चन आपको घुमा रहा है या गुमराह कर रहा है गुमराह कर रहा है इतने बड़े हो गए तुम जी कमलेश
जितने भी बच्चे कमलेश के समर्थन में भाई बोलो कमलेश 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 इस बात में लेश मात्र भी मजबूती श्याम एंड राधा विल नेवर डांस ऑन द फ्लोर बट कार्पेट तो जब बट लग जाता है जब बट लग जाता है प्रशांत किसका फेफड़ा फड़फड़ाया मुझे पता है इसको हर बार इसको कंट्रोल करो ठीक है तुमने बिगाड़ रखा है हर बार अब एक बात देखो ये ज्यादा दिमाग मैं भी नहीं लगा रहा पहली बात अगर मैं लिख दूं एवरीवन बट महेश विल अटेंड द पार्टी तो यहां पर इसका हिंदी क्या बना अब आपको मैं केवल बट का प्रयोग बता रहा हूं कि बट कंजंक्शन के तौर पर बट का कंजंक्शन के तौर पर मतलब होता है लेकिन किंतु परंतु ऐसे टाइप में लेकिन बट का प्रपोजिशन के तौर पर भी एक मतलब होता है और वो होता है किसी चीज को छोड़कर मुझे एक्सेप्ट के सेंस में होता है किसे छोड़कर तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कवि कभी साहिल क्या कहना है इरशाद चाहिए एवरीवन बट महेश विल अटेंड यानी हर कोई पार्टी अटेंड करेगा इसको छोड़कर महेश को छोड़कर और अगर दूसरा सेंटेंस लिख दूं नो वन बट महेश will attend the party कोई अटेंड नहीं करेगा महेश को छोड़ेगा तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा वही करेगा वही बनेगा वही करेगा वही नहीं रहेगा वही करेगा इसका मतलब है no one will attend the party कोई भी अटेंड नहीं करेगा पार्टी इसको छोड़ के तो कंक्लूजन क्या आ रहा है महेश will attend the party और इसमें क्या आ रहा है महेश will not attend the party इसका मतलब बट किस नेचर का होता है नेगेटिव यहाँ पर इसको निकाला तो महेश को छोड़कर सारे कोई जा रहे हैं यहाँ पर बट किस नेचर का है नेगेटिव नो वन भी किस नेचर का है नेगेटिव 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 प्लस तो महेश ही जाएगा समझना बात को सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे समझते हैं हाँ फीलिंग यानी भावना कैसे समझते हैं तभी आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है तो यहाँ पे ऑन द फ्लोर बट कारपेट कहने का मतलब क्या है कि वो राधा और श्याम फ्लोर पे नहीं नाचेंगे कारपेट पे नाचेंगे उनके पैर में माल छप जाता है और इससे जो उनकी जो कैलस है वो हार्ड हो जाती है और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ कैलस CALLUS CALLOUS और CALLOW तो ऐसा टीचर पढ़ा के गया था आपको पेपर यहीं से आएगा जो बता रही हूँ वही आएगा थैंक यू थैंक यू पापा ने नहीं बोलवा ना थैंक यू तुम क्यों आए हो पहले कई बार मैं सिर्फ पहुंचने का मतलब ये थोड़ी ना आओ चलो हर बात तो हमारा प्रिय स्टूडेंट लेकिन रितेश वो हार्ड स्किन अंडर द सोल ऑफ द फीट जो आपके पैरों के नीचे जो सोल होता है उसके नीचे की जो चमड़ी होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और उस हार्ड स्किन को बोलते हैं बायोलॉजी में कैलस CALLUS US. US.
अगला देखिए, केयरलेस ओ यू एस से खत्म है, ये वर्ड होता है अर्जेंटिव, और इसका मतलब होता है जिस पर्सन के सेंस खराब हो गए, सेंसिटिव ना रहा हो, इनसेंसिटिव, जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्दयी के लिए भी ये यूज हो जाता है कई बार, क्रूअल के लिए, क्रूअल। तो क्रूअल या इनसेंसिटिव, तो कैलस जो ये वर्ड बना है ये इसी कैलस से बना है, जब हार्ड हो जाता है तो किसी को किसी ऑब्जेक्ट के लिए कहा जाता है, तो हार्डन, किसी चीज को जिसको हार्ड किया गया हो, कठोर किया गया हो, उसको बोलते हैं हार्डन। और अगला वर्ड शायद आपको क्लास में बताया गया होगा सबको, कैलो। अगर आप वाहियात बात कर रहे हैं, बात बात में बचकानी हरकत कर रहे हैं मुझे छोड़ के, तो इसका मतलब कि अब मैं आपको एकदम से डांट के कहूं, पड़क पड़ो बोलिए, तो इसका मतलब है कि मैं आपको कहूंगा, डांट के कहूंगा, भाई इमैच्योर मत बनो, डोंट बी कैलो, क्योंकि कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, और इसी को इडियोमेटिक भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रीन बॉल, बता रखा है क्या? यस सर। इसी को टायर भी बोलते हैं, इसी को डिलेटेंट भी बोलते हैं, इसी को डबलर भी बोलते हैं, बाकी देखिए। Now come to the question again. चार घंटे पढ़ना है यार। तीन ही बजे। तीन बज गए। तो बहुत है। तो बहुत है यार। नहीं सर। पूरा टाइम भाई साहब, दो क्वेश्चन और रह गए। 120 श्याम श्याम एंड राधा विल नेवर डांस ऑन द फ्लोर बट कारपेट। इसका मतलब वो नेवर डांस ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे डांस नहीं करेंगे, कारपेट को छोड़ के, मतलब किस पे करेंगे, कारपेट पे करेंगे, तो बट की कोई गलती नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है। अब एंड सो एम आई, और मैं भी, वो जहां पे करेंगे मैं भी वहीं करूंगा डांस। तो मुझे बताओ एंड नोर शेल आई, नोर शेल आई, तो ये एंड तो लगेगा भैया, और ये अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये भी किस पे जाएगा, फ्यूचर में, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट तब करते हैं जब बट अपनी जगह यहाँ गलत होता है, और यहाँ एंड चूज करना पड़ता कि बट नहीं आएगा सर, एंड बट को काटने का कोई रीजन है नहीं है, बट अपने आप में बिल्कुल सही है, अपनी जगह नेगेटिव के साथ भी लग सकता है और पॉजिटिव के साथ भी। इम्प्रूवमेंट तब करते हैं जब गलती हो, और गलती को ठीक करने की आपके पास गुंजाइश ऑप्शन के अंदर दे रखी है, ठीक है। सही सेंटेंस को गलत करना कोई फायदे का सौदा। की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारे ही अकबर करते भाई साहब, हाँ
कितना मान सम्मान तुम्हारे देश में ज्यादा ही है अरे वो भाई फिर बात पकड़ तेरे को हाँ जी क्या इस तरह की डिस्कशन किसी किसी को याद है थोड़ी बहुत ठीक है और जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी उनको वीडियो के माध्यम से पहुंच गया होगा तो बैकअप देख के आए होंगे अच्छा ऑफ था तो टाइम नहीं मिला बेवकूफ तो मत समझो ना गया था तो कहीं गया था गया में गया That show was quite important. That show was so important. That show was very important. The show was too important. इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे variable क्या है? ये. अब यहाँ पर तो important word है वो क्या काम कर रहा है? और adjective को qualify करने वाले words भी क्या कहलाते हैं? Yes or no? Yes sir. ठीक है. ना केवल क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण बताते हैं बल्कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं आप मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस जो सेंटेंस नंबर टू है क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं नहीं क्यों नहीं है क्योंकि जब भी सोएगा सॉरी जब भी सो आएगा तो उसके साथ डाट यानी so plus adjective होगा तो उसके साथ that clause का इस्तेमाल होता है अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमें ना arranged notes चाहिए हमें arranged notes चाहिए तो उस arranged notes के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जो आपके पास बुक है P2P वो अपने आप में एक नोट्स है अगर आप पूरा का पूरा सेशन समझने के बाद एक बार उसकी थ्योरी को पढ़ के और फिर उसके क्वेश्चन देखते हो और 50 में से 30-35 हो जाते हो 15 के पीछे से हो तो उसका मतलब रिव्यू करने के बाद आपके पास वो चैप्टर मैनेज होने की कोशिश में होता है 70-80% की आपकी कंपैटिबिलिटी आ जाती है और फिर आप जब भी संडे संडे मॉक टेस्ट देते हो रोज और फिर मॉक टेस्ट देते हो ज़्यादा अच्छा रहता है सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसके अंदर जो किताबी भाषा में लिखा होता है कि व्हेनेवर यू हैव सो एज एन एडवर्ब प्रीसीडेड विद एनी एडजेक्टिव और सॉरी फॉलोड बाय एनी एडजेक्टिव देन इट मस्ट अकम्प्लिश द सेंटेंस विद दैट क्लोज ये किससे खत्म करेगा सेंटेंस को दैट क्लोज से खत्म करेगा ठीक है अगली सेंटेंस तो अपने आप में ये सेंटेंस क्या हो गया इनकम्प्लीट है तो कैसा हो गया रॉन्ग अगला सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं दैट शो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वो वेरी अपने आप में आधा सेंटेंस हो पूरा सेंटेंस हो किसी भी तौर पर हो वेरी अपने आप में कोई क्लोज की डिमांड नहीं करता आ रहे हैं देखो समझ में संडे हो चाहे मंडे समझ में आता है ना फिर ढाई से पाँच का भाई चौथे दो से छः समझ में आता है ऐसे अगला दैट शो वाज टू इम्पोर्टेंट अब टू का इस्तेमाल किस नेचर में होता है अगर मैं किसी को कहता हूँ शी इज सो स्लिम घुमा दिया तो सो स्लिम में वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट क्योंकि सो को क्या चाहिए दैट अगर मैं कहूँ शी इज टू स्लिम एक कहता हूँ शी इज वेरी स्लिम ये पॉजिटिव है बट अगर मैं कहूँ शी इज टू स्लिम ये वो उतनी स्लिम है जितनी नहीं होनी चाहिए अरे वो जीरो पे गए तो इसका मतलब है वो शो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था है? तो ये सेंटेंस भी अपने आप में बिल्कुल सही है बट इसकी जो कनोटेशन क्या है क्या गलत
वो तो तब पता लगा ना, वो टू के साथ आया है वैरी के साथ, वही सिखा रहा हूँ भैया, मुझे मत सिखाओ। इसका मतलब टू के साथ नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है या पॉजिटिव वर्ड भी, कैसा भी सेंटेंस जो टू अपने आप में रेफरेंस कैसा दे देगा नेगेटिव। इट इज टू बैड, बहुत ही बुरा, ये बहुत ही बुरा। कभी आज संसार में भांति भांति के लोग तो इट इज टू बैड, बैड खुद नेगेटिव है और ये बैड टू, और यहाँ पर लोग मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मत लगा देना, नेगेटिव नेगेटिव नहीं, बुरा बहुत ही बुरा, इम्पोर्टेंट जरूरत से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी। तो यहाँ टू का मतलब होता है दैट शुड नॉट बी, अपना मतलब जो डिराइव करता है कंक्लूजन के तौर पर। सीखने वाली बातें ये सारी की सारी चीजें, और ये चीजें फिर किताबों में नहीं मिलती। तो ये सारे के सारे सेंटेंस समझ में आ गए कि तीसरा और चौथा सेंटेंस सही है। अगर चौथे सेंटेंस के आगे अगर कुछ लगाना पड़े तो अगर डैट से लिखा हो तो ठीक होगा, या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा तो ठीक होगा, टू प्लस थर्ड क्योंकि टू टू कॉन्सेप्ट बताया था कि टू के साथ जब भी एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ जो कनेक्टिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट। अब ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा इसके ऊपर बात हो गई थी, डबल माउंटेन ट्रिपल माउंटेन। अगर पहला माउंटेन दूसरे माउंटेन को दोनों को एक साथ क्वालिफाई करेगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर दूसरा माउंटेन क्वालिफाई नहीं करेगा तो टू प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जितने बच्चे बैठ कर सुन रहे हैं उनको नया नया लग रहा होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। This concept is too obscure to understand, or I am too weak to understand this concept. दोनों में या किस गेट में? फर्स्ट मेड में, फर्स्ट बिल्कुल ठीक बात, पहले वाले भी मैं कह रहा हूँ। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, और ओबी से स्टार्ट होने वाले को 91 ये शर्ट तेरे को कल पहननी थी, हो सकता है क्या कॉन्सेप्ट खुद को समझेगा या हमारे द्वारा समझा जाएगा, और जो काम किया ना जाए हो जाए, उसे एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की। तो यहाँ टू अंडरस्टैंड की जगह क्या रहेगा, टू बी अंडरस्टैंड। पक्की बात बताया था, बस आपने एक ही आंसर बोलना होता है, सो में यस सर, ठीक है। आपका नाम क्या है? अरबाज तेरे पास पास में जो बैठे उसका नाम क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो टू के साथ हमेशा क्या लगता है, टू, टू के साथ क्या लगता है हमेशा टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात समझ में आएगी। लेकिन वीक भी कौन है? मैं, और कंसेप्ट को समझेगा भी कौन? मैं, खुद इसके अंदर सब्जेक्ट शामिल है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। अब बात आता है क्यू यू आई टी, क्यूट। कोई इसका मतलब क्या,
किस तरह का पॉइंट? टू अ सर्टेन लेवल, कुछ हद तक, इसका अर्थ होता है कुछ हद तक, तो आप पूर्ण हद तक सही हो बता पाने में, कुछ हद तक, कुछ हद तक का मतलब 60%। आगे और बोलना। पॉइंट भी एडवर्ब होता है, पर ये वाला पॉइंट भी होता है यार, शांत रहे। ये कौन सा होता है? कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, स्कूल में होता है कीप क्वाइट। हाँ अमन जी, शाम, शाम, शांत, शांत, शाम का मतलब काम या मोशनलेस दोनों हो जाएंगे, और इसी को ट्रैंक्विल भी बोल देते हैं। रहो फेसबुक ट्रैंक्विल, काम मोशनलेस या ट्रैंक्विल, और इस पॉइंट का मतलब हो जाता है टू अ सर्टेन लेवल, कुछ हद तक। That show was quite important. वो शो कुछ हद तक इम्पोर्टेंट था, और अब यहीं की बात शुरू कर रहा हूँ तो बाकी तीन रब कर दूँ नीचे वाले। और अगर मैं दूसरा सेंटर लिख दूँ, That show was rather important. राधर का मतलब भी होता है कुछ हद तक, लेकिन फर्क ये है कि जो क्यू यू आई टी पॉइंट होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ, यानी पॉजिटिव नेचर के जो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कनोटेशन अच्छी होती है उन वर्ड्स के साथ पॉइंट का इस्तेमाल होता है, जबकि रादर वर्ड का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब नेगेटिव नेचर के एडजेक्टिव्स के लिए होता है। अब ये समझ में आने के बाद अगर मैं ये पूछूं इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और गलत है, तो अब आप कह सकते हो कि सर इम्पोर्टेंट किस नेचर का होता है? पॉजिटिव। और इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे भी कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ क्या आएगा? क्वाइट। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये सेंटेंस बिल्कुल गलत। ठीक है, सर ये आपने एडजेक्टिव को लिख दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव। इम्पोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। हेलो,
छत्तीसवां हो तो आप आओ छत्तीसवां में दीक्षांत के पास आप आओगे तो कर दुआ ना देखो फेस टू फेस बिल्कुल क्वेश्चन तीन चार और पांच फिर डिस्कस करेंगे चलिए बताइए दादा बिना सिंह अब बताओ पहली बार तो फॉरवर्ड कोई वर्ड होता नहीं है फॉरवर्ड होता है ना स्पेलिंग गलत है मूर्खों सुनो फॉरवर्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ऑफेंसिवली सेल्फ असर्टिव यानी कि ये वर्ड किस नेचर का होता है नेगेटिव और किसे पता लगा कि एक पर्सन जो असर्टिव होता है अपनी बात कहता है सेल्फ असर्टिव अपनी खुद की बात कहता है ऑफेंसिवली सेल्फ असर्टिव मतलब दूसरे को दबा के अपनी बात कहता है कि नहीं
कंपटीशन में तुम नहीं जाओगे, केवल मैं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा और ये बात भी मैं ही बताऊंगा। हर चीज में कौन? मैं। इतना मैं थी नहीं, ठीक है, बेशक पटना से आते तो फॉरवर्ड का मतलब ऑफेंसिवली सेल्फ असर्टिव। अब बताओ अगला वर्ड इसमें क्या है? ग्रीवियंस। ग्रीवियंस वर्ड किससे बना? ग्रीव। और ग्रीव से जो वर्ब बनी वो क्या बनी? ग्रीव। ग्रीव होता है नाउन जिसका मतलब होता है दुख। ग्रीव का मतलब होता है सुग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है एम ओ ए एन, मोन, कड़ाई, दुख, रोना, विलाप करना, छाती पीट पीट के रोना, इसको बोलते हैं ग्रीव। और इसी से बन जाता है ग्रीवियंस। बोलना ग्रीवियंस है ना, प्रियांश, दिव्यांश, तो किसी का नाम पड़ जाए ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेन, शिकायत। रोता तभी आदमी जब उसको किसी से कोई विल का मतलब इच्छा और इल का मतलब बुरी, बुरी नजर। तो तुम हमें यहाँ पर भरवाओगे मैं भर लूंगा, तुम गलत बताए तो पीछे भी और अब भी। अब मुझे बताओ ये सारा सेंटेंस समझ में अगर आ गया हो तो बताओ सही है या गलत है। एरर है, एरर है। तुम जरूरत से ज्यादा ही सेल्फ असर्टिव हो टू हियर अदर्स, दूसरों को सुनने के बारे में जितना तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो ये डबल आउट टू डबल टू मच है ना। आज देयर ग्रीवेंसेस वर रादर मिनासिंग। सो मिनासिंग वर्ड किस नेचर का हो गया? नेगेटिव। इसके साथ क्या लग गया? रादर। यू खुद क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसा वर्ड है? नेगेटिव। टू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सबके साथ लगता है, पर टू के साथ जो कनेक्टिंग चीज होगी वो टू प्लस वन की। तुम ही फॉरवर्ड हो और सुनना भी किसने है? टू ने। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। नो है। कितने लोगों का आया था? नो है। गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर फोर बताओ मैं क्यों नहीं है जी? सी Harry and Jerry. Harry and Jerry. Do not carry excessive loads in their bag. वो जरूरत से ज्यादा लोड अपने बैग में लेकर कैरी नहीं करते हैं। Because it was too heavy to carry. And the task is done by Harry and Jerry. What has to be done to carry? To eat क्या है? Bag. Bag was too heavy to carry. माना कि bag heavy है और जरूरत से ज़्यादा heavy है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। क्या bag ने ही खुद carry करना है तो फिर चला ही जाता? या हमने करना था? हमें करना था। यानी ये खुद नहीं करना था, किसी के द्वारा होना था।
और होने को बोलते बी और बी के साथ क्या लगती है परफॉर्म, तो क्या ये पहली होना चाहिए या वे पुलिना के साथ होना चाहिए? वे ठीक है, कढ़ी खाते हैं कढ़ी के साथ। कितने लोगों को कढ़ी पसंद है अगर घर की हो तो है ना, तब भी नहीं अच्छी लगती क्यों चटपटी से नहीं पसंद है कढ़ी पकौड़ा कढ़ी पकौड़ा कढ़ी छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। हैरी एंड जैरी एक्सेसिव लोड अपने बैग में कैरी नहीं करते हैं क्योंकि बैग में ज़्यादा लोड था या बैग को ले जाया नहीं जा सकता था, इट वॉज टू हैवी टू बी कैरी, तो इसलिए वो कभी नहीं ले जाते। टेंस के अंतर के तौर पर अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो भी आ रहे कौन से पार्ट में आ रहा है, किसी पार्ट के अंदर आ, तो बेसिक गलती कौन सी आ रही है? जब आपको एक ही पार्ट के अंदर दो से ज़्यादा मिस्टेक दिखे तो वेटेज लेट के देखना कि कौन सा कैरी, कौन सा जो एरर है वो उसके बिना पूरा का पूरा सेंटेंस अधूरा रह जाए। यहाँ पर इज लगाऊँ या बोझ लगाऊँ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर अगर टू हैवी के साथ टू कैरी लिखा है प्रेजेंट है, प्रेजेंट भी ले लेगा, अगर आप इसको लगाना चाहो तो पास्ट भी ले लोगे, क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है पास्ट का प्रेजेंट पे जो पड़ता है तो उसके कॉम्बिनेशन ऑफ दो सेंटेंसेज है। यहाँ पर बिकॉज का दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बनाना कि आई एम इल टुडे बिकॉज आई फेल्ट कॉल्ड तो अगर इस हिसाब से देखो तो ये बिकॉज है कि टुडे का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, इफेक्ट के लिए हो रहा है, और ये बिकॉज के बाद हमेशा क्या आता है कोज, कोज एंड इफेक्ट हो गया। यहाँ पर इतनी कोज एंड इफेक्ट नहीं, बिकॉज इक्वल्स टू हैवी टू कैरी या टू बी कैरी वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो आजकल जो हैवी एंड कैरी एक्सेसिव लोड अपने बैग में रखते हैं। इम्प्रूवमेंट आता था इनका, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हिंट जरूर मिलेगा कि यस्टरडे लिखा है या नहीं लिखा है, टुडे लिखा है तो ठीक है ठीक है, एडिशनल कोई ना कोई टाइम एडवर्ब जरूर मिलेगा तब आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4-5 मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स इन इंडिया हैव द रीजंस ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स ऑफ एनी स्टूडेंट इटसेल्फ एंड नाउडेज दे आर रादर लैम्पूनिंग फॉर द बिकॉलिक स्टूडेंट्स, दे आर रादर लैम्पूनिंग फॉर द बिकॉलिक स्टूडेंट्स। आप इस कितने बच्चे देहाती देहाती मतलब होता है एग्रीकल्चरल पास्टोरल पास्टोरल, अच्छा वो क्या कहते हैं पास्टोरल, ये सब तो है मेरे को, अच्छा टाइम पे याद आ जाए तो चीज तभी बढ़िया है, ये तो कितने बैठे हैं पास्टोरल या बेस्ड अपॉन कंट्री साइड, बेस्ड अपॉन कंट्रीसाइड। एक बात बताओ ये जो तुम अभी बोके बैठो अभी बोके उसमें ऐसे ही पढ़ाते हैं या इसमें अंतर है, वहाँ अंतर है, अंतर है अच्छा थैंक यू, यहाँ ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं ऐसे ही हाँ होता है, हाँ मैंने ना होता तो गर्मी आता है।
मज़ा फिर उधर भी है, मज़ा उधर भी आता है, मज़ा उधर भी आता है, उधर भी आता है, उधर मज़ा नहीं आता, उधर खाली समझ आता है क्योंकि पढ़ाते हैं। अगला लेकिन लंपोनी बोलो एक बार। लंपोनी 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 लंपट लंपट नहीं लंपट पता क्या होता है? लंपट मतलब फूल। शाबाश, जितने हैं वो बताओ। चलिए, लैम्प्यून का मतलब होता है सरकास्टिक रिमार्क। कास्टिक नहीं, सरकास्टिक रिमार्क। इसी को ही सरकास्टिक रिमार्क में लंपून को शैरेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैरेड। इसको ध्यान रखना, चा नहीं बोलना, श बोलना, शैरेड। क्या बोलना है? शैरेड। ओके, अक्सर आपने देखा होगा किसी पर्सन के ऊपर, मान लीजिए अभी ममता बनर्जी ने यूं कहा कि एयर स्ट्राइक के वो दो एक बार तो उसने मांगे भाई साहब ऐसा वो अभी द हिंदू से लेकर सारे के सारे न्यूज़पेपर ने ममता का यूं मुंह बना दिया और हथौड़ा मारते हुए मोदी जी दिखा दिए कि अब तो दांव मेरा ही चलेगा। तो ये एक प्रकार का उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, एक सरकास्टिक रिमार्क किया जा रहा है और उसी सरकास्टिक रिमार्क को चिढ़ाने के लिए जो होता है, चिढ़ाने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं शायर। क्या बोलते हैं? शायर। ओके, और इसी को कास्क्यूनेट भी बोलते हैं। बोलना है कास्क्यूनेट। कास्क्यूनेट अच्छा वर्ड है, शायद पहली बार होगा। कैरिकेचर भी होता है, व्यंग्य चित्र होता है। कैरिकेचर इज द कोई भी पर्सन बनाओ उसका इस तरह का गाल बनाकर थोड़ी सी दाढ़ी दिखा दो और पीछे कमल का फूल दिखा दो तो पक्का पता लग जाता है अच्छा। तो इस तरह के जो व्यंग्य चित्र होते हैं इन्हें कैरिकेचर कहा जाता है। और इसी को व्यंग चित्र के तौर पर व्यंग के तौर पर, व्यंगात्मक कमेंट के तौर पर जो होता है वर्ड आता है ट्राइवेसी। ये सीजीएल के 2017 में जो टीयर वन हुआ था 21 तारीख को 21 अगस्त में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ट्राइवेसी। 21 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट जाके चेक कर लेना एक बार। मैंने आपको शायद बताया भी हुआ है टेन ईयर को करना ही है, प्रीवियस ईयर करना ही है। जो 2017 का सी जी एल का, सी पी ओ का, सी एच एस एल का जितने भी प्री के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे, और सी पी ओ और सी जी एल के जो टीयर टू हुए हैं 2018 में और 2017 में, वो सारे के सारे रिवाइज कर लेना। लगभग 60-70% आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर हो गया, क्योंकि 45 सेट थे इसके अंदर। तो हर एक चैप्टर से दो दो चार चार अच्छे अच्छे जो रूल्स होते हैं वो एक एक करके उठाए गए और सारे चैप्टर कवर हुए। जिसकी पूरी तैयारी होगी वही काम कर पाएगा। तो अपना जितने भी चैप्टर के तौर पर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर रहे हो तो मॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी एक एक करके सॉल्व करना शुरू करो और इसको सेक्शन वाइज लेके चलो। यानी पूरा का पूरा टीयर वन मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके पूरा करने के बजाय खाली एक बार इंग्लिश के रोज के दो कर लिए। 25 क्वेश्चन आए थे सी जी एल में, 25 क्वेश्चन आए थे, तो रोज के 50 क्वेश्चन कर सकते हो। 50 क्वेश्चन करने के बाद जितनी गलती होंगी
सबसे जरूरी है सीखना कब होता है, पेपर करने के बाद, जब आपको ये पता लग गया कि गलतियाँ ये थी, इसका ये राइट आंसर हम सोच रहे थे यकीन नहीं आएगा, ये आना था, उसके आपको नोट्स या लिखित रूप में जो वो कब गलत हुई है, जो नए नए आ रहे हैं उनको लिखना है, ना केवल उन वर्ड्स को लिखना जो क्वेश्चन में थे, बल्कि उन वर्ड्स को भी लिखना जो ऑप्शन में थे, जो कि अपने को मीनिंग नहीं पता थे, और तब आप सीखने में से नया सीखते हो तो वही पेपर में आपको दोबारा दिखाई देता है, और इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। तो इतनी स्टडी करने के बाद सेल्फ स्टडी बिल्कुल प्योर तरीके से कैसे करें, सिलेक्शन बेस्ड तरीके से कैसे करें, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करें, तो आने वाले दिनों में ये 50 क्वेश्चन की बजाय आप वही एक घंटे में 100 क्वेश्चन भी कर लोगे, उसी एक घंटे में फिर 125 क्वेश्चन भी कर लोगे, इसका मतलब आपका टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन जो डूइंग होगी, जो आपके काम करने की क्षमता होगी, जो एबिलिटी होगी, जो एफिशिएंसी या पोटेंशियलिटी आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और वही तो चाहिए एग्जामिनेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारे वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स कर लिए। अगली बात देखिए, अब मैंने लिखा राधा लंपोनी, तो लंपोनी जो वर्ड है तो ना केवल नाउन का काम करता है बल्कि वर्ब का भी काम करता है, जिसका मतलब होता है मॉक एट या जियर है, किसी की किल्ली उड़ाना, तो जो वर्ब का काम करता है तो वर्ब के साथ आईएनजी आ सकता है, तो ये क्या लिख दिया लंपोनी। और हम में से कई बच्चे जीआईपी पढ़ चुके होंगे, और पार्टिसिपल जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है, और वो भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो लंपोनी यहाँ पर क्या काम कर रहा है। अब मुझे बताओ किसी की तरफ व्यंग्यात्मक कथन कहना अच्छी बात या बुरी बात, बुरी बात, यानी थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है, तो कैसे नेचर का एडजेक्टिव हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ क्वाइट यूज होता है या राधर, राधर यूज होता है, इसका हमें सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, कोई गलती